नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम आए हैं किया के शोरूम में। तो भाई ये रही किया की बिल्डिंग। वैसे तो भाई पैसा ठोक के लगा रखा किया के शोरूम में। अगर आप रोड के साइड में से भी जा रहे हो ना तो आपको दूर से दिख जाएगा, हाँ भाई किया का शोरूम है। तो चलो भाई अंदर की तरफ चलते हैं। और भाई ये रही अपनी किया कैरेंज। भाई देखने में तो बड़ी महंगी और लग्जरी फील देने वाली कार लगती है, लेकिन एक्चुअली में इतनी महंगी है नहीं, क्योंकि किया ने कंपटीशन देने के लिए ऐसे रेटों पर गाड़ी निकाली है कि बस 7 सीटर में यही एक बजट फ्रेंडली और लग्जरी फील देने वाली कार लगती है। इस गाड़ी के प्राइस में या तो आप कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ अर्टिगा ले सकते हो या फिर मारुति की XL6। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैरिंस में भी सीएनजी लगवा सकते हो या कैरिंस में भी कंपनी फिटेड सीएनजी आती है? तो भाई इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले एक नज़र इस गाड़ी को देख लेते हैं। तो भाई ये रही इसकी चाबी यानी कि की। यहाँ से आप लॉक, अनलॉक या बूट ओपन कर सकते हैं। जैसे इस गाड़ी को आप लॉक या अनलॉक करते हैं तो इसके ORVM ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, जो कि देखने में भाई बड़े ही अच्छे लगते हैं। और भाई चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं हमें क्या कुछ अंदर मिलता है। तो भाई ये रख दी हमने अंदर इसकी चाबी। इसमें पुश बटन स्टार्ट आता है जो कि आजकल ज्यादातर गाड़ियों में कॉमन है। तो भाई अगर आपको इसका इंटीरियर और 360 वॉक अराउंड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है इसका मीटर या क्लस्टर, फुल्ली डिजिटल है। और भाई साइड में आपको ये बड़ी सी स्क्रीन भी मिलती है। भाई सही बताऊं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि 10 लाख के बजट वाली गाड़ी है, एकदम प्रीमियम लुक आती है इसके अंदर से। डुअल टोन इंटीरियर है और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेस मॉडल लोगे या अपर बेस लोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग मिलेगी आपको। मतलब कुल मिला के आपको फीचर रिच कार मिलेगी एक 10 लाख के बजट में। तो चलो भाई चलते हैं गाड़ी के बाहर और देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसका इंजन। इस गाड़ी को लेकर लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसमें सीएनजी कामयाब है या नहीं। तो भाई इसमें 3 इंजन आते हैं। पहला आता है डीजल इंजन, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीजल में तो खैर आप सीएनजी लगवा ही नहीं सकते, डीजल तो एक अलग ही वेरियंट हो गया। दूसरा आता है टर्बो पेट्रोल। तो भाई टर्बो पेट्रोल भी भूल जाओ, क्योंकि अगर आप टर्बो पेट्रोल ले रहे हैं तो आप माइलेज कंसीडर बिल्कुल मत करना, क्योंकि टर्बो पेट्रोल में मैं तो कहूंगा ही नहीं कि बिल्कुल आपको माइलेज मिलेगा। और तीसरा इंजन आता है पेट्रोल, जो कि हमारे मतलब का है, वो है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 115 bhp और 144 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो भाई ये आपको इंजन अगर मैं बताऊं तो एर्टिगा से 19-20 फालतू मिलेगा खाली, क्योंकि एर्टिगा में 138 nm का टॉर्क आता है और इसमें 144, तो ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। मतलब 19-20 एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको एर्टिगा से या कहें तो ब्रेजा से भी, क्योंकि इनमें सेम इंजन आता है। तो भाई सीधा सवाल यह है कि क्या आप इसमें सीएनजी लगवा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल, जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है आप उसमें सीएनजी लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी फिटेड सीएनजी इसमें नहीं आती, इसलिए आपको एक ऐसा मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा जो कि एकदम परफेक्ट काम करे। वैसे हुंडई और किया के जो इंजन होते हैं बहुत ही रिफाइन होते हैं। भाई लोग तो क्रेटा और सेल्टोस में भी सीएनजी लगवा लेते हैं, तो फिर ये कैरिंस क्या चीज है? और जैसा कि आपको पता है एर्टिगा भी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ ही आती है और उसमें माइलेज भी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो भाई अगर आपके घर में 6 या 7 लोग हैं जो कि कभी कभी साथ में चलते हैं और ज्यादातर टाइम आप 1 या 2 ही मेंबर गाड़ी में चलते हो, तो भाई लगवा लो सीएनजी। एक तो रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी और पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी तो खैर सस्ती है ही, और किया का इंजन है तो बहुत ही ज्यादा रिफाइन भी होता है और इतने लैग फील नहीं होते इस गाड़ी में, क्योंकि जो इंजन होते हैं ना हुंडई और किया के, वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले मैंने देखा है कि काफी ज्यादा रिफाइन होते हैं। तो भाई सीएनजी इसमें बेनिफिशियल रहेगी। तो एक बार चलते हैं गाड़ी के पीछे और चेक करते हैं इसका बूट स्पेस। तो भाई पीछे तो इसमें काफी ज्यादा जगह है। अगर मैं एर्टिगा और XL6 से कंपेयर करूं तो उनके मुकाबले तो 19-20 मुझे फालतू ही लग रही है। अगर मैं नंबरिंग वाइज काउंट करूं तो इसका बूट स्पेस आपको 216 लीटर का मिलता है अगर आप फुल 7 सीटर खोल के रखो तो, और अगर पीछे वाली सीटों को आप डाउन कर देते हो तो यही आपको 425 लीटर के आसपास मिल जाता है। तो भाई यहाँ पीछे की तरफ आराम से एक सिलेंडर आ जाएगा जिसमें कि 8 किलो तक गैस आप भरवा सकते हो। तो भाई अगर ऐसी ही कार आपको चाहिए जिसमें आप सीएनजी भी लगवा सको, 7 सीटर भी हो, देखने में भी अच्छी हो और पैसे भी कम खर्च हो, तो भाई आंख बंद करके किया कैरिंस ले लो, क्योंकि यही मुझे वैल्यू फॉर मनी कार लग रही है अब तक की।
तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।